राम राम जी। देशवाल व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो कुछ इस प्रकार है। आज जाएंगे सबसे पहले हम दूध लेने और वहीं पे मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहियो। तो ये देखो गली में सबसे पहले हमें बंदर मिले भाई। देखो दोस्तों कितने सारे हैं। ये एक पुराना मकान है, बहुत पुराना, तो बंदर यहीं पर अपना डेरा डाले हुए हैं। गाय माता बैठी आराम से। दोस्तों मैं बिल्कुल ठीक टाइम पर पहुंच गया। धार जो है अभी निकाल रहे हैं। भैंस मेरे को देख रही है। गांव में ये है दोस्तों, बिल्कुल ताज़ा दूध मिला है, कोई मिलावट नहीं। और थोड़ा फालतू ही देते हैं, यो भी सुख है। ये हमारे लिए चाय बन गई। और ये देखो इस तरफ बैठे हैं कुछ। तू इतनी उदास क्यों बैठी भाई? गर्मी हो रही है, घनी गर्मी लग गए। अच्छा तो ये हमारा हरियाणा है जो उसकी संस्कृति है घूंघट। हमारी भाभी जी है बड़ी, लेकिन इनको वीडियो में आना पसंद नहीं होता, इसलिए घूंघट किया हुआ है। साथियों ये मकान मैंने एक बार आपको दिखा दिया था एक वीडियो में, लेकिन उस टाइम ये मच्छरदानी नहीं थी। तो गांव में ऐसी मच्छरदानी लगाई जाए पशुओं के लिए, काफ़ी बड़ी है, इसमें 3 पशु आ जाए ये इस तरह से, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हुए हैं, बारिश का मौसम है, तो इस तरह की मच्छरदानी लगा दी जा है। और नीचे बालू रेत है और ये पशु हैं और ये इनके चारे की जिसको खोर बोलते हैं। क्या हो गया? अच्छा गुस्से में है भैंस। ये साथियों हरियाणा में बोलते इसको थान, भैंस का थान बोलते हैं। ये कितने सुंदर ढंग से ईंटें बिछाई गई हैं, बिल्कुल गोल गोल करके, बहुत सुंदर लग रहे हैं। दोस्तों ये हमारा प्लाट है, 600 गज का प्लाट है ये। तो अभी हमें इसका कोई काम नहीं, इसलिए खाली पड़ा है। और पड़ोसी जो है उनका कुछ सामान यहाँ पर है। ये दोस्तों मेरे चाचा जी हैं, देखो अभी खेत से आए हैं। तो अंकल श्री धान वान कैसे हो रहे हैं, खेती कैसी है? बढ़िया बढ़िया। नुकसान तो नहीं है ज़्यादा? ना, पानी से मरा हुआ है कोना। पानी है लेकिन ज़्यादा कोना? हाँ, एक हफ्ते। अच्छा धान बाजगी? हाँ, ठीक ठीक। और हमारे भाई साहब हमारे चाचा ये लड़के देखो टावर पे आपने दिख गए होंगे, बिल्कुल ऊपर चढ़ रहे हैं, इनका इंटरनेट का काम है। कुछ खराबी आ गई थी, उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। हमारा जो प्लॉट है वो इस तरफ है दोस्तों, और ये वो प्लॉट जो है ये मेरे चाचा का है, ये इनका ट्रैक्टर है। तो जैसे कि मेरे पापा हर थे जो 5 भाई थे, तो हमारी सारी ज़मीन पाचू घरा की जो चाचा वाला लड़का बोया करें, इसके पास ये ट्रैक्टर है। ताकत बहुत है इसमें। न्यू हॉलैंड सुपर TX 3630।
ये आरा है दोस्तों, हम इसको आरा बोलते हैं। तो इसमें पशुओं की चाट और दूध वगैरह रखते हैं। अभी रखे हैं इसमें। ये दोस्तों मैंने कुछ नए पौधे मंगवाए हैं, चाचा वाले लड़के ने और मैंने साथ में मिलकर बाग लगाया है। ये अमरूद के कुछ हैं नए पौधे, ये देखो ये सब अमरूद के हैं। और ये कुछ छोटे वाली प्योद हैं अमरूद की। जब लगाने होंगे तो यहीं से डायरेक्ट खेत में, ऊपर ये जाल लगा दिया। तो साथियों अब चलते हैं घर की तरफ। तो सोनू जी चलें? हाँ। चलो बोलती कौन है यार, बहुत कम बोल रहे। नहीं कैमरे के पीछे तो बहुत बोल रहा है जोकर काकी, यो कैमरा चालू कर दू ना मैं फिर ना बोलती। और मेरे चाचा बोल रहे हैं कि मेरी भैंस की बना भाई, क्योंकि दोस्तों गांव में है ना पशुओं को भी इतना प्यार करे हैं जितना अपनी औलाद तक करे हैं। ये देखो कैसी सहलान लाग रहे हैं सिंगा ने, देखो बीड़ी कौन सी है यार शिव की। तो भाई ग्रामीण जीवन बहुत सादा हो है। दूध कितना दे यार? है 16 किलो। वाह, भाई 16 किलो दूध दे है। और मेरी चाची जो इस तरफ खड़ी है वह नु है घरा तो 14 किलो पोचे है। तो चाचा जी बोल रहे हैं कि 2 किलो में कटिया को पिला देता हूँ। जो इसकी कटिया है भैंस की उसको पिला देते हैं। ये बिटोड़े हैं, अभी बरसात के मौसम में ये पुरानी पन्नी वगैरह तिरपाल वगैरह ढक दिए इस पर। इसके अंदर उपले हैं, गोशिया हरियाणा में बोल दिया। अगर शहर के मुकाबले गांव में बहुत शांति रहे है। घर हैं जो पुराने पुराने घर हैं, एक पुराना घर ये इस तरह। सोनू एक बार ये घर देखेंगे, ये देखो दोस्तों बहुत पुराना मकान है। और हम इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे अगर बंदर नहीं मिले तो। चल चल चल, कितने घर हैं? तीन के ऊपर एक है। एक तो यूरिया ने कहा कि कहा है। देखो दोस्तों बहुत पुराना मकान है, सन 1960 में बना था यो, तो अब कोई नहीं रहता, पहले रहा करते, एक बड़ा परिवार रहा करता इसमें। हटिए छत इसकी उतार ले गए लोग। ये देखो साथियों, ये जो हाथ वाली चक्की हो आरती, पहले हाथ से गेहूं पीसते थे ना, ये उसके पार्ट हैं दो। और काफी पेड़ पीपल के आगे इसमें, तो बहुत पुराना मकान है साथियों। ये टांड जिसको बोलते हैं, और टांड के ऊपर भी जैसे कि 2 जरोखे बनाए गए थे। ये देख सको आप, ऐसे टोडे लगा दिया करते, ये टोडे हैं। और ये 2 कमरे अंदर बने हैं, छोटी ईंटें हैं दोस्तों, पहले ये ईंटें होया करती, छोटी छोटी ईंटें हैं। और इस वाली अलमारी में रखे हैं बहुत सारे दीपक चीख से, काफी पुराना मकान है, बिल्कुल शांति है यहाँ पे। और इस तरफ से मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला, 2 कमरे वहां पे थे और 2 कमरे ये अंदर हैं उसी स्टाइल में। ये थाम होया करते, 2 जो थाम आपने दिखाई दे हैं पत्थर के। और इस तरफ क्या है भाई,
ये देखो दोस्तों कारीगरी पहले की, जैसे कि अब तो पिलर लगा दे हैं तो पहले इस तरह के थाम होया करते और इस तरह की डाट बनाई जाया करती। छोटी ईंटें हैं, सीमेंट भी ना होया करती दोस्तों, चूने से चिनाई चल लिया करती, ये सब चूने से बनाया हुआ है। और यहां अंदर आड़ डिवाइडर लग गया है, काफी अंधेरा है, दो कमरे हैं अंदर लेकिन उनमें अंधेरा काफी है तो मैं तो अंदर जाऊंगा नहीं। ये सामने बिल्कुल आपको दो कमरे दिखाई दे रहे होंगे और सोनू मुझको छोड़ गई अकेला, अभी चलते हैं बाहर। तो कैसा लगा पुराना मकान कमेंट में बताना। नहीं गई नहीं भाई, यहीं पकड़िए, बल्कि मेरा छोटा उरा लिया बेटे, जी नहीं लगे आपका ना। आजा, आपको कैसे पता लगा कि बेटे मैं यहाँ हूँ? मम्मी पाई। अच्छा मम्मी दिख गई आपने। हाँ। चलो चलो भाग कर पकड़ो मम्मी को। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो, सब्सक्राइब करियो। राम राम सारे ने।